इधर साइड में खाई है। आप हट जाओ भैया, हट। बहुत बड़ी डेंजर है भाई, जो भी अपने आपको खब्बी कहाँ समझता हूँ ना, आ जाना। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। ये है एपिसोड 3 हमारा स्नो ड्राइव का। वैसे भाई आज हम आ रखे हैं, जिन्हें नहीं पता, शानगढ़ हिमाचल प्रदेश। अगर आपने पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं एक बार वो भी देख लेना, और पीछे से ना आपको आवाज आ रही होगी भाई, क्योंकि अभी पड़ रही है बारिश। मतलब कि इसे स्नोफॉल तो अभी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी लग नहीं रहा मुझे कि स्नो है ये, बट हाँ बारिश पड़ रही है भाई। कल तो लाइव स्नोफॉल भी पड़ रही थी, जो मैंने आपको एपिसोड 2 में दिखाई थी, बट हालात देख लो भाई, बहुत ही ज्यादा ठंड है। अभी टेम्परेचर है 4 डिग्री, बट मुझे लग रहा है भाई इससे ज्यादा ही होगा। लो दिखा रहे 0, बट रात को यार -6 तक भी ना टेम्परेचर चला गया था। एंड फिलहाल का जो सीन है ना यार, हम सोच रहे हैं कि निकलते हैं, बट चक्कर वही पड़ रहा है यार, बारिश में कैसे जाएं। उधर हमारी कार खड़ी है और छाता एक ही है यार, ये देख लो, इनमें से कोई छाता नहीं लाया था, मैं ही छाता लाया था। हाँ बोलो क्या, अभी ये भी देखना है कि स्टार्ट हो रही है कि नहीं। क्या कार भाई, ये तो दिक्कत आएगी। जोंटी क्या लगता है, हो जाएगी कार स्टार्ट? कार स्टार्ट होगी भाई। क्या लगता है जोंटी, कार स्टार्ट हो जाएगी? हो जाएगी भाई। कोई और मासे में बोला था ये सब चीजें तो भाई मजाक की होगी, बट देखते हैं भाई कार स्टार्ट होती है नहीं होती, ये बहुत ही सीरियस चीज है। बस बारिश रुक जाए और ये जोंटी फिर से आ जाएगा। और हाउ आर यू? राम राम सीताराम ने बोली जाती तेरे से है? बट यार मौसम देख लो, उधर के तो भाई बिल्कुल ही, ओए एकदम ही पहाड़ छुप गए भैया उधर के तो, है ना, अभी दिख रहे थे भाई पहाड़। चक्कर पता क्या है, जो मेन टेंशन है ये ना, हमने शाम से स्टार्ट नहीं करी है कार। लेट्स सी भाई स्टार्ट होती है या नहीं होती है। बाकी अंदर ये बतानी क्या शोर मचा रहे हैं हमारा, क्या कह रहे हो? बर्फ, हाँ अब तो चली तो ब्लैक आइस मिलेगी अब ज्यादा, और उतरते और दिक्कत आती है, फिसल ना जाए। लेस देन 2 मिनट्स में पहाड़ बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं, और ऐसा लग रहा है लोकेशन चेंज हो चुकी है। ये देखो ओए फुद्दू है यार, भाई देख बहुत तेज बज रही है, बहुत तेज बज रही है, इन्होंने तो ग्लव्स पहन लिए है। देखो अगर तूने मेरे मारी तो एक बार यार, तुम हो तो फुद्दू भाई, इन्होंने प्लान बनाया था, देखो दोनों ने ग्लव्स पहन लिए और मुझे कूट रहे हैं, यही है घर का बेदी लंका डाय। उधर से अब इधर भी आ गए बादल भाई, तगड़ा मौसम हो गया यार, क्या ही व्यू आ रहा है। ये लो भाई आफ्टर 5 मिनट्स फाइनली स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुकी है भाई साहब, लाइव वो भी इतनी तगड़ी स्नोफॉल। भैया क्या फोरकास्ट है फिर आज का, इससे भी हैवी होगी या नहीं होगी? तो इससे भी हैवी होगी, मनाली में तो और हैवी हो रही है। ओ हाँ भाई साहब, भाई अब ना हम निकल रहे हैं, क्योंकि जो वाइस डिसीजन है ना वो यही है कि भाई अभी निकल जाओ, अगर ज्यादा स्नो होगी ना, वही तो कह रहा हूँ, अभी ना जेसीबी ने स्नो भी कर दी है क्लीन, बोला भी नहीं जा रहा इतनी ठंड है, तो हमने सोचा इस टाइम निकल जाते हैं भाई, अगर ज्यादा होगी ना फिर से फंस जाएंगे, तो दिक्कत वाली बातचीत हो जाएगी भाई, तगड़ी ठंड हो गई है यार, तगड़ी ही बिल्कुल ही। ओ भैया आ गए आप, आगे जेडी कहाँ गया, फुद्दू है दूसरे पानी में, मुझे वो ये व्लॉगिंग ने ना डुबा दिया भाई। चलो यार सामान हमने कार में रख दिया, बंद करते हैं कार को, खाने देख लो कार की, और एक्सट्रीम वेदर हो चुकी है भाई, जोगराज भैया ने कैमरा पकड़ रखा है, भैया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके इधर, मजा आ गया। ठीक है, अब ये कार स्टार्ट हो जाएगी ठंड में हमारी, हो जाएगी ये 5 मिनट ऑन रखनी पड़ेगी ना, उसके बाद ठीक चलेगी, स्टार्ट करते हैं। चलो भैया थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके। ये है भैया, ओके भैया बाय। फोन भी भाई गिल्ला हो चुका है, पहले टूटा हुआ है, अब देखते हैं कोल्ड स्टार्ट करते हैं कार को। ये देखो यार कितनी बर्फ भाई, गिल्ले हो गए पूरे, 1 2 ओए लंबा सेल्फ था बट होगी। हाँ स्कॉर्पियो ने भाई धोखा नहीं दिया भाई, कार जबरदस्त है आ रही है, और अब देखो 3 डिग्री लिखा रहे इधर, 1 हो गया, एक्सट्रीम वेदर होगी भाई, अब मजा आएगा निकलने में भाई, बर्फ देखो अभी कार तो कोल्ड स्टार्ट पे लगा रखी है तगड़ी, और जो अर्टिका है ना भाई 10 दिन से फंस रखी है इधर, इसकी देखो बर्फ ही नहीं पिघल रही है, ये तो भाई ओखी ही जाएगी, हमारी कार ही ओखी जाएगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई। यार अभी ना मैं बाहर खड़ा था, 1-2 शॉट्स ले रहा था, ये देखो हाथ भाई लाल हो गए भाई बिल्कुल, जैकेट की देख लो भाई, और एक तो व्लॉगिंग के चक्कर में ना यार, ये देख लो भाई पूरी जगह वही तो भाई, ये व्लॉगिंग ना कभी मार देगी मुझे, एक तो पैर भाई बिल्कुल चिल्ड हो रखे हैं, बिल्कुल चिल्ड, हाथ तेरे अलग लाल हो गए भाई, अलग लाल भाई, बहुत ही ठंड होगी एकदम, ग्लव्स चाहिए तो मुझे, कोई भैया जेडी को फोन करना,
चलो भाई कोल्ड स्टार्ट तो कार हो चुकी है, अभी से डाल देते हैं फोर व्हील लो में, पहली ही रिवर्स करते हैं और चलते हैं। भाई साहब ये देख लो हाल, देख रहे हो कैसा हो रखा है। और इधर से ना हमें ऐसे इस रास्ते से निकलना है, सामने रास्ता देख लो भाई कितना डेंजर है। हमने डाल दिया फोर व्हील लो में भाई, इस रास्ते डी पे कार डाल दिए और M1 में हम लेके जाएंगे एक बारी में, ठीक है, रुकेंगे नहीं भाई। बहुत सही चलती है फोर लो में भाई, बहुत अच्छी। ये देख इधर बचती है, बट एनीवे चलो जी कोई नहीं यार। इसमें ना जाते चेक करो, जाते ना इसमें 80 टायर डलवाऊंगा भाई, जाते ही भाई। मतलब आज घर नहीं जाना? ओए होए भाई सैलरी है, ओए होए अपनी साइड रख, मेरी साइड रख यार, यही दिक्कत है इसमें। ना नहीं नहीं खड्डा बना दिया, खड्डा नहीं स्क्रू लेकर आया था एकदम से खींच के ले जाना साले, हमें आइडिया थोड़ी है इसका, एकदम से खींच के रिस्क पता कितना। टायर नहीं मोड़ना, सीधा बैक कर इस लाइन पे, आपको पिकअप मिला तो वहां तक ले जाओ यार। इधर साइड में खाई है यार, खाई तो है, दिक्कत यही है इधर खाई है। मेरी बात सुनिए, देखा अब ये पेड़ है, अब रहन दे, अब खींच दे, दे इस पन। जेडी देखे ट्रैक पे है ना, ट्रैक पे है ना टायर, खींच जरा यार, उधर जा रही है गिर जाएगी, नहीं गिरेगी, गिरेगी जस्ट बैक करने दे, थोड़ी और बैक कर, बैक जाने दे, पेड़ दूर है शीशे में देख तू एक बार। अब ट्रैक पे आ गए, अब ठीक है, अब सीधा स्टीयरिंग बैक रख, ये मोड़ नहीं है, ये बिल्कुल ही हिलना चाहिए, ये देख अभी उधर और पीछे जाना, उधर से हिलाते हैं तेरा एक टायर बर्फ पे है। हाँ एक टायर बर्फ पे है तेरा, जेडी की साइड वाला पीछे वाला छोड़, अब चढ़ाई है, छोड़ खींच दे M1 में, खींच दे हाँ M1 में खींच दे, इस रोड पे ठीक रहेगी, चल पीछे जा, पीछे जा, रुक जा, रुक जा, ओए होए होए नहीं, इतनी भी निकल गई, अपनी बहुत साइड में लगी भाई, ये बहुत साइड में लगी आ रही है, ना नहीं 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 शशांक भैया इधर आओ, आप इधर आ जाओ, आप शशांक भैया इधर आओ, आप हट जाओ भैया, हट जाओ, सही कह रहा हूँ, ये लास्ट ही है, परली तरफ स्टीयरिंग मोड़ इसका भाई, तो पैर इतने फिसलते हैं यहाँ पे, ये देखो गाड़ी ऐसे घूम जाती भाई, जुराबे भी गिल्ली हो गए, तो यहाँ बड़ी गलत उतार दी थी इसने, नहीं चलती ठीक है, बस ये है ना बहुत ज्यादा स्लिपरी हो रहा मामला, ये देखो ओ नहीं यार, नीचे वाले रोड से कैसे है रोड, नीचे फिर नीचे वाले से निकाल लेते हैं, बहुत ज्यादा बहुत भाई डेंजर है ये, मजाक मजाक की बात नहीं भाई, बहुत वो है, बहुत ज्यादा मतलब जो चीज है ना, बिल्कुल खाई के पास से मोड़ी है भाई, जो भी अपने आपको खब्बी कहाँ समझता हो ना आ जाना, कोई बात नहीं है, मजाक की बात नहीं भाई, मैं कह भैया जो भी अपने आप खब्बी कहाँ समझता हो ना आ जाना, मजाक की बात नहीं, बहुत खतरनाक चीज हो रही है, लगता है लगता है चढ़ नहीं रही, चढ़ाई नहीं जा रही, ना ना देखो ऐसे में कभी भी आओ, कभी रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी कोई वो नहीं, कोई इसमें कोई रिस्क नहीं, कोई मजाक नहीं, इसमें ईगो वाली बात नहीं है भाई, दिमाग से काम लेना है, बहुत पेशेंस से जो ब्लॉग में, खैर ये चीज डालेगा नहीं वो ब्लॉग में, अच्छा अच्छा जो फट जाएगी भाई,
चाहे व्लॉग में डाले ना डाले, ना डाले भाई, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। कोई गाड़ी चढ़ नहीं रही या चढ़ा नहीं पा रहा, आज का और कल ये बहुत टफ है, बहुत टफ। अच्छे अच्छों की बहन पैर फूल जाते हैं, पैर ठंडे हैं यार। और देखो वो गाड़ी किसी को नहीं देगा चलाने के लिए, चाहे घंटे एक्स्ट्रा लग जाए। नहीं जरूरी भी नहीं भाई, नहीं वो किसी और को देगा नहीं गाड़ी चलाने के लिए, मतलब इनको इनको एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स को। हम लोग स्नो में इतनी बार आए भी नहीं है कभी, बिल्कुल हम तो पहली बार आए। वो तो तब भी गया हुआ थोड़ा थोड़ा, अभी भी लग रहा देखो अब वो नीचे उतरवा रहे, दूसरा रोड है वो ऊपर ही जुड़ेगा। जैसकी आईडी खुद पूछी उसने, कह रही अपनी आईडी तो बता जाओ, फिर उसने फॉलो करा। मैं कहा हमारे जैसे गरीब भी दिखेंगे इसमें। यार टायरों का बहुत फर्क है भैया, बहुत स्लिप खा रही है गाड़ी है। यार ये बिल्कुल सच बात थी, अगर अभी 80 टायर होते ना तो कोई दिक्कत ही ना आती, कार आराम से निकल जाती। टायर्स ना बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, और ऊपर से एक तो स्कॉर्पियन है भी इतनी भारी। पूरी तैयारी करके आओ भाई, बहुत डेंजर हो सकता है। कहाँ उतारी है, चढ़ भी जाएगी या बाहर दीजो? ओ यार बर्फ के अंदर चला रहा यार भाई, वो उन्होंने बंदों ने ना दूसरे रूट से नीचे उतरवा दी, अब वहाँ भी थोड़ी सी फंस चुकी है। यार टायरों का भाई बहुत फर्क पड़ता है भाई, तभी ठीक कर रहा वो 80 टायर। अंकल ने ब्लॉग देख लिया भाई, गाड़ा बहुत पड़ेंगे। अंकल को फोन करा इस फोन से। अरे आ गई अपनी अन्न, आ गई ये, आ गई इस रूट से आ गई भाई। हेलो, स्ट्रगल ऑफ लाइफ। वो तो कैसे रिपट्टे खा रहे भाई, वो बैक करके कर लो। ए आ गई है 4x4, आ गई जय बब्बे की। अच्छा जी, राम राम जी, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलो आपको हमारी तरफ से अरे भैया गिफ्ट आपको बहुत बहुत। और ज्यादा स्नो थी भाई, थैंक्स भैया ने, उन्होंने गाइड किया। बट नीचे भाई देख ये स्कॉर्पियो, अरे ये बड़ा ये सारा अलग ही स्नो थी यार, वो तो मेरे फोन नहीं था। डेंजर सीन, बहुत ज्यादा डेंजर। ठीक है जी, बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ओके ब्रो, ओके ओके, थैंक यू भाई। लास्ट में देखा कैसे घूम रही थी भाई, बहुत डेंजरस था यार, बहुत ज्यादा यार। एक तो यार इसमें 80 टायर ना जाते ही डलवाने हैं यार, 80 टायर होते ना यार कोई दिक्कत ना होती यार, कोई दिक्कत है। एक तो हम चलो प्रोफेशनल भी नहीं है स्नो ड्राइव में, बट 80 टायर से ना और हेल्प मिल जाती। इंजन लाइट वगैरह तो नहीं आई कोई, इंजन लाइट नहीं आई, बट टीपीएम इसकी आ गई, टायर टूअर का प्रेशर पे आ गया होगा ना भाई, पूरा जोर दे रखा था। देख लो कैसे रास्ते हैं, अब तो जेसीबी ने खत्म कर दी है, मतलब कि रास्ते साफ कर दिए। बट यार ये मेरा लाइफ का सबसे एक्सट्रीम और सबसे रिस्की एक्सपीरियंस था यार। अब रास्ते सही बना दिए, देखो कल जहां फंसे थे हम, तो धीरे धीरे फोर व्हील लो में लगा रखे, धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, क्योंकि ना इसमें चक्कर पता क्या है, ब्रेक मारेंगे रिप्टे की रिप्टे की गाड़ी वो दिक्कत आ जाती है भाई। फट गई बिल्कुल, फट गई। अब तो मन कर रहा है निकलो यार इधर से, एक्सट्रीम देख ली, सुनो एक्सट्रीम देखनी थी। मतलब एंड में ना भाई जो कार का जोर लगा, अब मेरे दिमाग में वही हो गया कि 80 टायर डलवाने ही डलवाने हैं, तभी आप कोई एक्सट्रीम ट्रिप करनी है। बिल्कुल भाई, जेडी भाई ने 100 रुपए दिए बंदे को, कौन से बंदे को, उसको जो कर लो आपके लिए नाम था। जो अभी तक था नहीं लास्ट में, अंकल ने व्लॉग देख लिया, रास्ते में फोन करना, तो पहले टायर पुआ के आना। मेरे पापा का तो बहुत ही वो है, वो पहले भी कह रहे थे चिराग यार मेरे दिमाग में, चिराग प्रॉपर्टी तो टफी का नाम है भाई, ऐसे होता भाई, जब यार भाई सीरियसली बता रहा हूँ, जो स्कॉर्पियो जिस प्राइस पॉइंट पे चीजें प्रोवाइड कर रही है ना, ओए 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 ओए, जैसी फील है भाई, भाई पूरी, चाहे कोई कमेंट सेक्शन में कोई भी हेट करे, फॉर्च्यूनर कह लो भाई, कह लो बट जिनके स्कॉर्पियो वो तो मानते ही है, और इस बजट में यार बेस्ट भाई गाड़ी अगर लेनी ना 4x4 ही लो, 4x2 तो आएगी नहीं, तो आप फिर वही नीचे ही खड़ी करके आओगे। बंद भाई हैरान हो रहे हैं, आप अपनी गाड़ी लेके आए हुए यहाँ पे भाई, ये बात सारे बंदे हैरान, इधर मैंने इतना क्योंकि यहाँ सारे भाई टैक्सी टैक्सी में नीचे तक आते अपनी गाड़ी खड़ी करते, बस हम ही थे जो ये कार इधर ले आए, इन्होंने होटल वालों ने अपनी गाड़ी रख रखी है, बिठा के लेके आते हैं। जो इधर कैंपर कुंपर है ना सारे, जो ओनर थे वो भी यही कह रहे थे, हाँ भाई कार में कैसे आ गए, बहुत हमने कहा अंकल हम ऐसे ही हैं, फसफुस आके आ ही जाते, कहता अच्छा ये 4x4 है, पता ही था उनको यार, अभी भी हिमाचल में पता नहीं है इस गाड़ी के इतना, इधर ना स्कॉर्पियो थे कौन सी चलती है, वो 4x4 वो चलती है ज्यादा, बट यार मौज होगी, एक्सट्रीम ही एडवेंचर हो गया भाई। और जब मैं नीचे था ना, जब मैं लाया जहाँ से इतनी तगड़ी स्नो भाई, अब देखो रोड तो जेसीबी ने साफ कर दी है इधर वाली, तो हम ना इसे पहले डाल देते हैं फोर व्हील हाई में, क्यों इंजन की वहां बहन करनी, माइलेज बहुत कम होगी होगी वैसे भी। चलो जी फोर व्हील हाई हो चुके हैं, स्नो मोड तो लगाना भूल गए, तभी तो फंसे हो तुम ये गिमिक्स होते हैं भाई।
सुशांत भैया, जेडी भाई, जोंटी, मजा आया ट्रिप पे भाई? मजा पूरा आया भाई, पूरा भाई। अल्टीमेट जगह पे लुकवाया था ना तूने, बहुत अल्टीमेट जगह थी भाई। हॉस्टल, हॉस्टल भाई, बड़ी हॉस्टल। हां भाई, यू क्या हुआ है? हॉस्टल धर्मशाला में ना रुके जावे तेरे पे भाई। इधर कहां धर्मशाला यार, हॉस्टल ठीक। हां अब रुकवाओ तो ना। हाँ, मेरा 2.5 फीट का पता है पैर धसा हुआ था भैया, सच बताना। हाँ, जहाँ पे आप खड़े हुए थे अगर जरा सी भी ऊंची नीच होती तो खाई में गिर सकती थी ना। और ये पता क्यों हंस रहा है? ये सोच रहा है कि भैया खड़े क्यों थे, मतलब कि भैया क्या रोक लेते कार को जाने थे? बट ऑन अ सीरियस नोट भाई, जरा सी स्लिप होती ना खाई में जाती कार, तभी भैया रुक रखे थे भाई। ऑटो वाइपर ऑन कर देते हैं। ओ यार फुकरे भी तो मारते हैं फीचर्स की, ऑटो वाइपर ऑन कर दिए गाइस। बट ये तो सारी यार देखो मस्ती मजाक की बातें हैं, बट आज ना सीरियसली भाई मौत को छू के वापस आए भाई। इतना गलत एक्सपीरियंस था टक से, जैसे आपने किक में देखा हो ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला, वो वाला सीन था। फट के ना मतलब जैसे कहते हैं लुप लुप हो रही थी हर चीज यार। एक क्लोन और बढ़ गई, अभी अभी पता चला कि सीट एडजस्ट हमने कुछ, अब करी कुछ फर्क लग रहा है। अब आपको ना पिछले फ्रेम से और इस फ्रेम में ना फर्क वो दिखा दियो तुम एक बार काट के। हां मैं वही कह रहा हूं भाई साहब, कॉन्फिडेंस बंदे ने भाई, बंदे ने भाई सीट एडजस्ट नहीं करी यार। लास्ट नाइट ना मैं एडिटिंग कर रहा था इधर, तो ना मैंने सीट पीछे कर रखी थी, और मैं वही कह रहा हूं यार बोनेट कम दिख रहा। अब रियलाइज हुआ भाई, जब फटती है ना इंसान की कुछ नहीं मतलब दिमाग में आता, अब देखो इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। बट इससे ना मैं एक और चीज रियलाइज हुई यार, आपने भी ना ये चीज नोट करी होगी, मतलब ये शायद से रिलेटेबल हो सकते हैं, बट किसी को हम वो नहीं कर रहे भाई डीफेम वगैरह। लड़के ना आराम से ऐसे छोड़े होकर ऐसे चलाते हैं, वैसे लड़कियां आपने नोट करा ऐसे ऐसे चलाते हैं। हेट आई लड़कियों की, हेट आ गई पता चला लड़कियों को कोई देखते नहीं, दो देखती थी उन्होंने भी गाली गलौज चली, उन्होंने भी फिर लाइक करा कर। हां ऐसी तो है बात, तो सही है भाई। उन पहाड़ों से हम नीचे आ चुके हैं, इधर देखो बर्फ वगैरह कुछ भी नहीं है, बट बारिश अच्छी खासी पड़ रही है, और कार हमने इधर खड़ा दी, और कार की हालत देखो यार कितनी ही गंदी लग रही है। बट भाई क्या सीन है, इधर क्यों रुके हम भाई? वो वेट करे दुकान खुलेगा। ओ यार ये तो लोक है, क्या मिलता है इधर? लेने के थोड़े चिप्स, मैगी मैगी नाक में घुस जा। यार हमने ना मंडी क्रॉस कर ली, और बारिश देखो रुक ही नहीं रही है, और एक तो रास्ते भी, बट जो इसके सस्पेंशन है यार मजेदार, बहुत ही तगड़े सस्पेंशन है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आ रही है। क्या लगता है मनाली जाना चाहिए था भाई? जाना चाहिए, दिन ज्यादा होते तो चल रहा भाई। वही दिक्कत है, हम ना सारे वही है काम वाले, तो छुट्टियां मिलती नहीं है काम से, इन सबकी जॉब वगैरह, मैं बेल रहा हूँ बेरोजगार हूँ। हाँ इसलिए आगे भाई वो चक्कर है, इसलिए ना हमने सोचा भाई नीचे चल जाते हैं वापस से, ज्यादा दिन है नहीं। अगर बिल्कुल ही बेल हो ना यार, कुछ काम धंधा नहीं है, घर वालों के पैसों पे पल रहे हो, फिर तो चाहे हफ्ते 10 दिन के लिए निकल जाते, बट ऐसा सीन है नहीं, चक्कर वो पड़ रहा है। एमपी में क्या है भाई, 3 महीने नहीं भाई, वो वैसे अगले हफ्ते का प्लान है हमारा। तो अब तेरी जगह लगता है टीम मेंबर चेंज करना पड़ेगा हमें। भाई सुंदर नगर में हमने लिया अपना फर्स्ट स्टॉप, मतलब कि कुछ खा लेते हैं। और इधर ना हमने सर्च करा कि सबसे फेमस कैफे वगैरह कौन सा है, तो इधर एक आया, हमने सोचा इधर ही खा लेते हैं। ट्रिप का ये लास्ट ब्रेक है, तो हमने सोचा अच्छी जगह पे रुक जाते हैं, पैसे पूरे खर्च लेते हैं। अरे जोंडी भाई ये क्या खा रहे हो भाई? पिज्जा। पिज्जा यू क्या हो गए? पिज्जा भाई रोटी रोटी नहीं खाई जाती तेरे से है? अपने आपको देखे हो जैसे कैसे फैल रहे भाई। चलो यार खा पी के हम निकल चुके हैं, और अभी ना एक भाई बंधु अपना ना मनाली की साइड ही गया हुआ है, उसने एक वीडियो भेजी भाई, मनाली में इतना ज्यादा रश है, वो बता रहा कि मैं तो सुबह से जाम में ही फंसा हुआ हूँ। बट मैं तो वीडियो देख के, मतलब उसने रील अपलोड कर रखी थी, रील देख के भाई हैरान में कहा यार बहुत ही माड़े हाल है। लाइव लैंडस्लाइड हो रही है यार, ये नहीं समझ रहा। और पीछे तो बंदे भी मतलब रोड पे आ रखे थे ताकि पत्थर पुथर इधर कर रहे थे, बारिश में ना डेंजरस तो है ही भाई। भाई इधर देख, इधर तो हो रही है अभी भी लाइव ही हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं यार। आपने ना फर्स्ट एपिसोड में देखा होगा, हमने कहा था कि टोल देने की अच्छी बात है, बट जो ये वाला टोल है ना, कौन सी जगह भाई? कुराली भाई। इधर ना नजायज का ये टोल है, और मेन बात पता है क्या, फास्टैग इधर चलता नहीं है, अब कैश देना पड़ेगा। और इसका रीजन NHAI का नहीं है, क्योंकि ये मतलब कि हां स्टेट का है, ये राजदीप लिखा है, राजदीप लिखा है, हां रोहन राजदीप, ये प्राइवेट है ऐसी भाई तक्का, तो बेहाल गुंडागर्दी, ये तो गलत बात है। और अगर चलो आप गुंडागर्दी कर रहे हो, हम सपोर्ट कर देंगे, फास्टैग से स्कैन करो यार, अब कैश दो, अब हम जैसे गरीबों के कैश ना हो, वही तो गलत बात है ना भाई। पता है फास्टैग क्यों नहीं लेते? ये सेंट्रलाइज होते ना फास्टैग, वो भी तो चक्कर है, तो गलत बात है यार। पूछता हूँ अभी ना, कैश ना, पूछता हूँ भैया फास्टैग, नितिन गडकरी को टैग करो भाई, वही तो यूट्यूब पे ऑप्शन नहीं आता टैग का, बट ठीक है ट्विटर पे वीडियो हम डालेंगे, देखते हैं क्या सीन है, पूछता हूँ। गलत बात है ना यार, जब रूल तो रूल है, देखो कोई भाई इसमें वो लड़ाई वाली बात नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ वही तो फास्टैग यार, हर जगह तो चलता है फास्टैग।
और ये कैश ना हो अच्छा हाँ इधर भी लिखा कितने देखा भाई ये होती है गुंडागर्दी क्या सीन है भाई मुझे तो पता है पुराना कैप्टन अमरिंदर के टाइम का है उनका ही है भाई टोन अब के फार्महाउस भी तो है सारी जमीन उनकी है नहीं तो क्या मतलब गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती यार समझ ही नहीं आता है हाँ बेफालतू में हटने देंगे ना अब स्टेट टोल हटा दो दिए सारी जगह से जैसे भैया बता रहे हैं मुंबई वगैरह के हटा दिए भाई अगर किसी को हटा दिए बस ये नहीं हटा देख लेना चाहिए पता कर लेना हाँ अगर किसी को इस बारे में नॉलेज है ना कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर देना यार चलो भाई उस अनऑफिशियल टोल से आ चुके हैं अपनी सोसाइटी के पास वाला ऑफिशियल टोल यानी कि चंडी मंदिर वाला टोल हिमालयन एक्सप्रेस वे और कैसी रही भाई ट्रिप भाई बहुत बढ़िया भाई मौज आई फुल जगह कैसी लगी बहुत बढ़िया जगह जेडी भाई आपको बहुत अल्टीमेट जगह भाई अनमोल भैया आपको बड़े नाराज है भाई नाराज है भाई। वो ये अनबन है भैया आपको कैसी लगी दिखाना अपने आपको भैया को यार मंडी नहीं घुमाया भैया को मंडी वो नहीं होते रूस नहीं आते फुफड़ नहीं होते भैया वो ही है रूसे हैं यार इस वीडियो को फिलहाल मैं यही एंड करता हूँ आई होप आपको ये ट्रैवल व्लॉग्स पसंद आए हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ये वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना और प्लेलिस्ट देख लेना प्लेलिस्ट में जाके ये हमने प्लेलिस्ट क्रिएट करी है हाँ कमेंट्स में जरूर बताना भाई आपको कैसी लगी वीडियोस कैसी नहीं मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर